नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो एलसीडी देख रहे हैं ये सेंसुई का है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो एलईडी होता है वो ग्लो हो रहा है और स्टैंड बाई ऑन नहीं हो रहा है। पीछे बटन है स्टैंड बाई ऑन करने का, तो सारे बटन को मैं बारी बारी से जो है प्रेस करके देख रहा हूँ तो स्टैंड बाई ऑन नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एलईडी अभी भी ग्लो है यहाँ बटन प्रेस करने के बाद में। तो आज मैं इसी प्रॉब्लम को आपको ठीक करके दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस तरह का यदि स्टैंड बाई का प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले तो पैनल जो स्विच लगा हुआ होता है वो स्विच को चेक करेंगे। तो हमने स्विच को जो है चेक कर लिया, स्विच जो हमारा सही है। तो अब हमें कार्ड में वोल्टेज चेक करना है कि स्टैंड बाई ऑन होने के लिए जहाँ पे जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए ये कार्ड में जो है वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इसमें लाइन दे चुके हैं, तो दोस्तों ये छोटा सा आईसी लगा हुआ है। तो सबसे पहले इस पर वोल्टेज चेक करेंगे कि इस पर 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। ये पावर सप्लाई पे जो है इस पर 5 वोल्ट वोल्टेज जो है आउट होता है। तो यही 5 वोल्ट जो है वोल्टेज जो है रेगुलेट करके हर जगह पे जाता है। मीटर का भी तो ग्राउंड में लगा लेते हैं और बारी बारी से सारे पिन पे चेक करना है 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। देख सकते हैं 8 वोल्ट आ रहा है, 4 वोल्ट देख सकते हैं, 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो यही वोल्ट जो है यहाँ पे एक छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर पर जो है आता है। देख सकते हैं ये कैपेसिटर पर भी 5 वोल्ट के लगभग जो मिल रहा है 5.9 वोल्ट। तो दोस्तों ये कैपेसिटर पर से जो वोल्टेज, ये दोनों आईसी जो छोटा छोटा आईसी लगा हुआ है ये दोनों आईसी पर जो है 5 वोल्ट आता है। तो ये चेक कर लेंगे कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है ये नंबर पिन पे। अब जो है ये 5 वोल्ट जो है ये वाला जो रेगुलेटर लगा हुआ है ये रेगुलेटर के ये वाले पिन पे 5 वोल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए और इसी से जो है यहाँ पे रेगुलेट करके 1.8 वोल्ट निकलता है। तो ये भी हमारा वोल्टेज सही है। ये वोल्टेज जो है एक बार यहाँ पे चेक कर लेंगे, ये वाले रेगुलेटर पे 5 वोल्ट आना चाहिए यहाँ पे आ रहा है। और ये बीच वाले से जो है 3.2 वोल्ट आउट करेगा, तो यहाँ पे 3.2 वोल्ट चेक कर लेते हैं। 3.2 वोल्ट यहाँ भी आ रहा है, मतलब कि इधर प्रॉपर जो है वोल्टेज आ रहा है। तो अब ये वाला जो फ्लैश आई पी है, ये फ्लैश आई पी है, इस पर जो 1.3 वोल्ट चेक करना है, ये इसमें जो फ्लैश आई सी में 1.3 वोल्ट आएगा तभी इसका स्टैंड बाय ऑन होगा। इसका 1.3 वोल्ट इसका पिन पे चेक कर लेते हैं। इसका 1.3 वोल्ट ये फ्लैश आई सी पर नहीं आ रहा है। जब तक 1.3 वोल्ट ये फ्लैश आई सी पर नहीं आएगा इसका स्टैंड बाई ऑन नहीं होगा। तो इसका अब ये देखना है कि इसमें जो है किस नंबर पिन पे जो है ये आना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हम जान लिए कि ये फ्लैश आई सी पर 1.3 वोल्ट आना चाहिए, पर ये हमें नहीं पता है कि जो है किस नंबर पिन पे जो 1.3 वोल्ट आता है। तो इसके लिए नेट पर जो है देख लेना है कि कौन से नंबर पिन पे डाटा बेस पे या आई सी पर डाटा बेस चेक करेंगे और उसमें बताएगा। तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ कि ये वाले पिन पे जो 1.3 वोल्ट आना चाहिए, ये वाले पिन पर 1.3 वोल्ट नहीं आ रहा है। ये देखना है कि 1.3 वोल्ट कहाँ से। तो दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटा सा एक 5 पिन का रेगुलेटर लगा हुआ है। इसका काम क्या है कि इस पर 5 वोल्ट जो इन होता है और ये रेगुलेट करके 1.3 वोल्ट ये फ्लैश आईसी को देता है। तो सबसे पहले तो ये छोटा सा रेगुलेटर है इस पर चेक कर लेते हैं कि 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, 5.9 वोल्ट है। तो अब यहाँ से ये वाले पिन से जो 1.3 वोल्ट आउट करता है, तो ये वाले पिन को जो तो ये वाले पिन पर 1.3 वोल्ट यहाँ पे चेक करते हैं तो अब देख सकते हैं कि 1.3 वोल्ट नहीं मिल रहा है और यही पिन से जो है हमारा फ्लैश आईसी पर यहाँ पे वोल्टेज आता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यदि आपके पास
कोई पुराना स्क्रैप बोर्ड पड़ा हो तो उससे ये रेगुलेटर खोल के लगा सकते हैं, मेरे पास नहीं है। तो एक छोटा सा इस तरह का एक्सटर्नल मॉड्यूल है, ये 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है और जितना वोल्ट आपको चाहिए 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और 1.3 वोल्ट, जितना भी वोल्ट चाहिए। ये स्टेप डाउन कन्वर्टर से जो है हम इसका वोल्ट यूज कर सकते हैं, जो वोल्ट इसमें नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसका कनेक्शन कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका कनेक्ट। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि ये स्टेप डाउन कन्वर्टर को कहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे जगह लग रहा है तो यहाँ पे हमको सेट करना है। तो यहाँ से देखेंगे कि 5 वोल्ट नज़दीक कहाँ पे पड़ता है, तो ये 5 वोल्ट जो है पैनल पे जाता है, तो यहाँ से 5 वोल्ट ले लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि 5 वोल्ट यहाँ पे पैनल पे आ रहा है कि नहीं। देख सकते हैं 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, तो ये 5 वोल्ट हम यहाँ इसको थोड़ा चेक कर दीजिए तो क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें। और ये ग्राउंड को जो है यहाँ पे कहीं भी ग्राउंड में लगा देना है। अब यहाँ पे चेक कर लेना है कि ये जो है 1.3 वोल्ट आउट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ चलिए 1.3 वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो मीटर का एक प्रोड को हम माइनस में रख लेते हैं। तो सॉरी, इसमें लाइन नहीं दिया हुआ है। चलिए अब इसमें लाइन दे लिए हैं, अब दोबारा से हम चेक करते हैं। तो देख सकते हैं 1.3 वोल्ट जो है आउट हो रहा है ये हमारा कन्वर्टर से। तो अब ये 1.3 वोल्ट को क्या करना है, ये छोटा वाला जो 5 पिन का रेगुलेटर बताए थे ये ख़राब है, तो इसका जहाँ पे 1.3 वोल्ट आउट करता है वहाँ पे इसको सोल्डिंग करना है। तो चलिए अब इसका कनेक्शन हो गया, अभी इसको चेक कर लेते हैं कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं। तो इसमें लाइन दे लिए। तो देख सकते हैं कि ये ऑन हो गया है, स्टैंड बाई इसका जो यहाँ पे जो LED ग्लो हो रहा था वो ग्लो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट करें। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।